किसानों की ये पावन धरा कि करसा की ई भाषा में भगवान खीचड़ो खायो है, मीरा मेड़ तड़ी इनमें भगवान रिझायो है। अजय भारत, अटल भारत का नारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के मुख्य आतिथ्य में आज मारवाड़ की सिरमौर, राजस्थान की सिरमौर, नागाणा की पावन माटी पर किसान सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन दीप प्रज्वलन हो रहा है। ये ज्ञान की ज्योत, ये किसानों के उदय होते भाग्य की मशाल आज हम सबके बीच में जल रही है। ये सत्यवादी गौरक्षक जन जन के आराध्य लोकदेव वीर तेजा जी की पावन धरती है, मीरा की धरती है, कर्मा की है, ये धन्ना की है, ये राणा की है, फूला की है। कि मायर था को पूत अठे वो लीलण रो असवार अठे, गौरक्षारो साचो सेवक पेमल रो भरतार अठे, साधु माता की झोड़ा में जन्म्या देव धनी दरबार अठे, करसारी भाषा में बोलिया बाबा रूणी जारी सरकार अठे। एक बार अमित शाह जी की उपस्थिति में जोरदार जयकारा करेंगे। बोले वीर तेजा जी महाराज की, भारत माता की। बहुत अभिनंदन। और आइए नागाणा मारवाड़ की स्मार्टी से अभिनंदन करेंगे हम सबके आदरणीय श्री सी आर चौधरी साहब, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार। सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए मेरे किसान भाइयों, किसान बहनों, नौजवान साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे मित्रों, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं उस शख्सियत का जिन्होंने किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और दोनों ने मिलकर जो किसानों के लिए काम किया है, उसके लिए हमें आज इनको अभिनंदन और धन्यवाद प्रस्तुत करना है। इसी के लिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी अभिनंदन इस बात का करूंगा कि हमारी सरकार बनने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके निर्देशन में सरकार बनने के पश्चात हमारी सरकार किसानों की सरकार, गरीबों की सरकार, दलितों की सरकार, वंचितों की सरकार, महिला, नवयुवक, सभी लोगों की ये सरकार है और सबके लिए एक से एक शानदार योजनाएं हैं जिसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे। मैं संक्षिप्त में चार काम, क्योंकि अभी राज्य सरकार माननीय वसुंधरा जी के द्वारा जो किसानों के लिए काम किए गए हैं उसमें अभी थोड़ी देर पहले माननीय प्रभुलाल जी सैनी और हमारे अजय सिंह जी किलक साहब ने काफ़ी डिटेल में बताया। सबसे पहला काम किया जो NDRF के तहत जो खराबा होता था, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने गरीब किसानों की चिंता की है। बाबा 50% से ज़्यादा खराबा होता था तब कुछ पैसा मिलता था, उसको एकदम 33% कर दिया। इसी प्रकार से सबसे बड़ा और काम किया जब हमने लोकसभा में सारे लोग बोले और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट की कि साहब ये जो खराबा का जो मुआवजा दिया जाता है वह ऊँट के मुंह में जीरा है, थोड़ा बढ़ाइए, काश्तकारों को फायदा होगा। और मैं माननीय अध्यक्ष जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने तुरंत पहली बार कानून में इतना जल्दी 21 दिन में संशोधन करके और खराबे की दर को 1.5 गुना और यदि जनधन की हानि हुई है तो 4 गुना कर दिया। ऐसे ही दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपको मालूम होगा कि आपके यूरिया के लिए लाइनें लगती थी, यूरिया खाद नहीं मिल रहा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और आपका उनको समर्थन, दोनों ने मिलकर जो काम किया है वो नीम कोटेड यूरिया कर दिया जिसको कोई का बाप ब्लैक में नहीं बेच सकता। और इसी कारण से यूरिया का ब्लैक नहीं हो रहा है। यूरिया अभी नहीं, अगली फसल का भी लेना चाहो तो सरकार देने के लिए तैयार है। और तीसरा सबसे बड़ा जो काम किया था, सोइल हेल्थ कार्ड की योजना बनाई और आपने राजस्थान के से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की। और चौथा जो आपके ये जो नरेगा के अंदर काम हो रहे हैं, 60% पैसा केवल खेती के कामों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सोच है, माननीय अध्यक्ष जी का एक बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है कि हर खेत को पानी और हर हाथ को हुनर।
ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से ज़्यादा फसल कैसे ली जाए उसके लिए हर खेत को में थोड़ी तलाई और पानी की व्यवस्था की जाए, यही एक मोटी सोच दोनों की रही है। इस कारण से नरेगा के तहत काम कराने में किसानों को प्रायोरिटी दी है और 60% पैसा नरेगा का जो 50,000 करोड़ से ज़्यादा है उसका 60% किसानों के लिए काम में लिया जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि इस किसानों को उत्पादन लागत का 1.5 गुना देना है। बजट में घोषणा करने के बाद में कमेटी बना के अति शीघ्र MSP 23 जींस की तय कर दी है, जिसमें आप नागौर वाले बड़े भाग्यशाली हैं, राजस्थान के लोग भाग्यशाली हैं, मूंग ज़्यादा पैदा होता है। मूंग कहाँ 4,042 में नहीं ले रहे हैं, वहाँ पे 7,000 में सिर्फ 25 रुपये कम, यानी 7,000 रुपये क्विंटल की मूंग किया है। बाजरा प्रधानमंत्री जी ने 7 जुलाई को बताया था, बाजरा 1,000 रुपये में कोई नहीं ले रहा, उसको करीब 1990 यानी 2,000 रुपये क्विंटल किया है। नागौर का किसान जागरूक है और यहाँ से जो आवाज़ निकलती है पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में चलती है। मतलब तो यहाँ नागौर की गाय और नागौर का बछड़ा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ड्राफ्ट एनिमल के रूप में 2 वर्ष का बछड़ा हो जाता है, वो बैल का काम करता है और 2 वर्ष का बछड़ा आपका हल चला लेता है, छकड़ी चला देता है, तांगा चला लेता है, कहीं आप उसको ड्राफ्ट, और 14 साल तक वो काम देता है, 14 साल तक उत्पादन अपने मालिक को देता है। ये है नागौरी बैल की जोड़ी और नागौर के 2 बछड़ों का कीमत 2 लाख 1.5 लाख से कम आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब ये एक भ्रांति फैला दी गई है कि 1.5 लाख 2 लाख की जोड़ी खरीद के 5,000 का मीट में कौन, या उसको काटने का कौन सा आदमी देगा, दुनिया का वो सबसे मूर्ख आदमी कहलाएगा। इसलिए आपसे अर्ज है 3 वर्ष की जगह 2 वर्ष कर दें और जिससे इनका काश्तकारों को फायदा हो जाए, इसमें मदद करें। और दूसरा, एक ग्वार हमारे बहुत पैदा होता है क्योंकि तिलन और दलहन और खाद्यान्न तीनों में नहीं आता, इसलिए उसको आप ध्यान दें। पुनः एक बात माननीय अध्यक्ष जी का हम सब की ओर से अभिनंदन और आप सब पदाधिकारी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी ने हमारे लिए समय निकाला, नागौर को चुना किसान सम्मेलन के लिए, इसलिए अध्यक्ष जी का हमारे देश से आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सीआर साहब।